खबर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से है, जहां मुरैना जिले के अंबार शहर में रविवार शाम भाजपा नेता के घर पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इसमें रास्ते से गुजर रही एक वृद्ध घायल हो गई, उसे ग्वालियर रेफर किया गया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि चिरपुरा रोड पर 3 बाइक पर सवार 6 बदमाश गोलियां चला रहे हैं। सभी ने अपने चेहरे बांध रखे हैं। गोली चलाने पर पार्षद का बेटा दौड़कर घर पहुंचा और उसने भी बदमाशों पर गोलियां चलाई। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। दोनों तरफ से चली गोलियों में राहगीर महिला कमला शर्मा के कंधे पर गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल महिला को अम्बाहा के अस्पताल ले गए, वहां से मुरैना रेफर कर दिया। मुरैना में इलाज के बाद उसे ग्वालियर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि चिरपुरा रोड पर रहने वाले भाजपा नेता व पूर्व पार्षद सुभाष शर्मा उर्फ करुआ के बेटे विशाल शर्मा का कुछ लोगों से विवाद चल रहा है। करीब एक साल पहले विशाल और आरोपियों के बीच गोलीबारी हुई थी। इसमें विशाल के पेट में गोली लग गई थी। इलाज के बाद विशाल बच गया था। घायल महिला अपनी बहन का घर विशाल के घर के सामने है। महिला वहां से अपने घर लौट रही थी, तभी फायरिंग हो गई। फायरिंग की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। यहां करीब 15 कारतूस खाली पड़े मिले। घायल महिला के बयान लेकर उसे मुरैना रेफर कर दिया। विवाद के बाद सोमवार सुबह तक कोई भी पक्ष अम्बाहा थाने में शिकायत कराने नहीं पहुंचा। आज की घटना को लेकर एक भी पक्ष अम्बाहा थाने पुलिस के पास नहीं पहुंचा है। अम्बाहा पुलिस घायल महिला से जानकारी लेने को ग्वालियर पहुंच रही है। पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके वारदात का मुआयना कर घटना के विषय में लोगों से चर्चा की है। ये घटना रविवार शाम 6:30 बजे के बाद होना बताया जा रहा है। एक पक्ष की महिला ने बताया कि 3 बाइकों पर 6 लोग मौके वारदात पर पहुंचे थे। पुलिस गोली चलाने वालों पर मामला दर्ज कर दखीले हवालात करेगी। पुलिस द्वारा इसकी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।